घुमारवीं अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के आदेश होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। सरकार के आदेश 25 जुलाई को जारी किए गए थे, पर लगभग एक महीना हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है, जिससे अब लगता है कि फिर से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले लगभग 21 सालों से घुमारवीं शहर व आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अल्ट्रासाउंड से महरूम होना पड़ रहा था, क्योंकि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत होने के बाद भी डॉक्टर की तैनाती नहीं होती थी। घुमारवीं अस्पताल में तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोग अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं। घुमारवीं विधानसभा झंडुता व सदर के कुछ जगह के लोग घुमारवीं हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं तथा वे यहां आकर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 21 सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है, जिसको ऑपरेट करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट तक सरकारें उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। पर इस बार स्थानीय विधायक ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के आदेश तो जारी हुए पर वे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, जिससे लगता है कि वे घुमारवीं आने के लिए तैयार ही नहीं है। घुमारवीं हॉस्पिटल ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 35 पंचायतों के लगभग 80,000 लोग इस हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसमें घुमारवीं हॉस्पिटल में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 35 पंचायतों के लगभग 80,000 लोग इस हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसमें सदर व झंडुता का कुछ भाग के लोग भी इस हॉस्पिटल को आते हैं। कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या इस अस्पताल पर निर्भर है। सरकार मरीजों की हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने का दावा करती है, पर घुमारवीं हॉस्पिटल में सुविधा नाम की कोई भी चीज नहीं है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा है। पर अब घुमारवीं अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के आने से लोगों को ये सुविधा घर द्वार उपलब्ध होनी थी, पर उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए घुमारवीं हॉस्पिटल की तरफ से अल्ट्रासाउंड की सुविधा पहले निजी अस्पताल में दी थी, पर अब अन्य मरीज इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों का समय और पैसे दोनों बर्बाद हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा निजी अस्पताल में दी गई है, वे एक महीने में लगभग 152 के करीब महिलाएं निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, जिससे सरकारी खजाने में सीधी चंपत लग रही थी, जिससे छुटकारा मिलने की उम्मीद बनी थी, पर उम्मीद सपनों पर मरहम न लगा सकी और सरकार के द्वारा जारी आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिससे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सीएमओ बिलासपुर का कहना है कि ये मामला मेरे ध्यान में नहीं है और ऐसी कोई बात है तो इसके लिए जल्दी ही डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। यदि जब तक घुमारवीं अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं आता तो इसको नहीं कर चला सकते। मामला मेरे ध्यान में नहीं है, अब आपके माध्यम से ये मामला मेरे ध्यान में आया। अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी के कारण उसको सील किया गया होगा तब उसको या उसको डी कंपनसेट किया होगा, तो उसको पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद इसके ऊपर कर पाएंगे। अगर मान लो वो टेक्निकल ख़राब होगी तो उसको तो चलाना मुश्किल होगा, तब तो परमानेंटली सील हो जाएगी। हाँ, डी कमीशन की होगी, डी कमीशन को हम उसी सूरत में करते हैं किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन को अगर वहाँ पर रेडियोग्राफी उपलब्ध ना हो, एक। और दूसरी बात है कि सरकार के मापदंड के अनुसार सिर्फ वो ही आदमी ऑथराइज है अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए जो जिस रेडियोलॉजिस्ट हो, लेकिन आज की डेट में घुमारवीं सिविल हॉस्पिटल में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने की वजह से उस मशीन को नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो जाती। सर, क्या इसको 21 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी डॉक्टर वहाँ प्रोवाइड नहीं? देखिए, किसी का स्थानांतरण करना और किसी की अपॉइंटमेंट करना वो मेरे अधिकार क्षेत्र नहीं आता है, और इसके बारे में सरकार को अवगत कराया गया, और भविष्य में शायद कोई रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे ज्वाइन करता है तो सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब तक रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा तब तक हम जो है इस जो अल्ट्रासाउंड की सेवाएं नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जिस जगह पे अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है दैट इज गवर्नड बाई PCPNDT एक्ट और प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस एक्ट के तहत, जो 2005 का एक्ट है उसके तहत सिर्फ वही आदमी है जो ऑथराइज सरकार ने किया हुआ, तो उसमें जो किया हुआ वो कोई भी ऑथराइज जो पर्सन है घुमारवीं में हमारे पास तैनात नहीं है।
जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 25 जुलाई 2020 को घुमारवीं अस्पताल के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट का पद जो काफ़ी क्या बल्कि 21 सालों से खाली चल रहा था उसे भरा गया था। उस पद पर एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद उस डॉक्टर ने अभी तक घुमारवीं के अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं दी है। और पिछले 21 सालों से जो अल्ट्रासाउंड की मशीन धूल फांक रही है वो आज भी एक डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है। स्थानीय जनता के लिए यह बहुत ही दुखदाई है कि उन्हें बाहरी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।